सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि YouTube पर जो है चैनल आप कैसे खोलें और कैसे जो है अपनी चैनल क्रिएट कर सकते हैं और इजी तरीके से जो है आप अपनी अपने मोबाइल से ही खोल सकते हैं चैनल और उसी से जो है वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ कि इसमें जो है जीमेल अकाउंट कंपलसरी है। जीमेल अकाउंट ऑलरेडी अगर आपका है तो इजी तरीके से जो है आप यूट्यूब के चैनल खोल सकते हैं, और अगर आपका जीमेल अकाउंट नहीं है तो जीमेल अकाउंट बना लीजिए। और कैसे बनाना है वो भी जो हूँ मैं दोस्तों पहले वीडियो में बता चुका हूँ, मतलब मेरी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा कि जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करें। तो देखिए सबसे पहले आपको मोबाइल में यूट्यूब की जो है ऐप को ओपन करना है और इधर जो है आपको इधर जाके साइन इन कर लेना है। तो इधर तो मैं दोस्तों ऑलरेडी साइन इन हूँ, लेकिन जो हूँ मैं दोस्तों आपको लाइव करके बताऊंगा कि लाइव चैनल कैसे क्रिएट करते हैं, और मैं दोस्तों एक नई चैनल क्रिएट करने वाला हूँ तो आप ही के सामने क्रिएट करके बताऊंगा। तो इधर जो हूँ मैं दोस्तों इधर मैं क्लिक करूंगा इस एरो पे। तो अब देखिए इधर जो है बोल रहा है अकाउंट, मेरे ये अकाउंट से मैं लॉग इन हूँ, लेकिन इधर प्लस मैं एक और अकाउंट जो हूँ ऐड करना चाहता हूँ, मतलब एक और अकाउंट सबसे पहले ऐड करूंगा फिर उसी से जो है चैनल क्रिएट करूंगा। तो अभी अकाउंट जो है ऐड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जीमेल अकाउंट मांगेगा। ये देखिए ये बोल रहा है साइन इन करना है। तो ऑलरेडी जो हूँ मैं दोस्तों एक जीमेल अकाउंट और बना चुका हूँ, और वो अकाउंट का जो है मैं एड्रेस इधर डाल देता हूँ। तो इस प्रकार से जो है ये देखिए नॉलेज फॉर केयर नाम से मैंने जीमेल अकाउंट एक बना के रखा है और इस बारे में वीडियो बना चुका हूँ कैसे जीमेल अकाउंट आपको क्रिएट करना है। तो इधर नेक्स्ट कर देना है मुझको, ये मैंने नेक्स्ट किया। अभी देखिए पासवर्ड मांगेगा, तो इधर जो हूँ दोस्तों मैं पासवर्ड जल्दी से डाल देता हूँ। तो इधर देखिए मैंने पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट करता हूँ। तो आपको ऐसे ही कोई भी जीमेल अकाउंट है आपके पास उससे जो है आपको जो है साइन इन जरूर करना पड़ेगा। तो इधर देखिए यस आई एम, ये एग्री कर देना है सब कुछ आपको। तो अब जो है देखिए मैं साइन इन हो जाऊंगा इस यूट्यूब पर, मेरा मतलब इस ऐप पर, यूट्यूब की ऐप पर। तो ये देखिए इधर देखिए आइकॉन चेंज हो गया, मतलब मैं इससे साइन इन हो गया हूँ, किससे, नॉलेज फॉर केयर। तो इधर देखिए इस प्रकार से आप भी साइन इन हो जाएंगे अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है तो। फिर उसके बाद आपको जाना है योर चैनल, मतलब इधर जो है हमको चैनल क्रिएट करनी है। तो अब किस नाम से चैनल क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले तो इधर दोस्तों आपका नाम आ जाएगा, ठीक है ना। तो इधर देखिए आपने यूज यूट्यूब एस है, मतलब यूट्यूब पे आप किस नाम से चैनल क्रिएट करना चाहते हैं। तो इधर देखिए मैं नॉलेज फॉर केयर नाम से जो है चैनल क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इधर जो है आपका नाम आ जाएगा, मतलब जो भी आपने जीमेल आईडी में नाम डाला वो नाम आ जाएगा। तो चाहे तो आप उसी नाम को रहने दें या तो जो भी आपने सोच के रखा है। तो इधर मैंने जो है दोस्तों सोच के रखा है नॉलेज फॉर केयर से ही मैंने अकाउंट बनाया, और उसी से जो है चैनल क्रिएट भी करूंगा। तो इधर आप चेंज कर सकते हैं आप चाहें तो। तो इधर मैं एज इट इज रहने देता हूं, तो इधर क्रिएट चैनल करता हूं और इसी नाम से जो है मेरी एक चैनल क्रिएट हो जाएगी। और ये देखिए चैनल क्रिएटेड लिखा आ गया है, आप ये देख सकते हैं। अब इधर जो है क्रिएट प्लेलिस्ट बता रहा, लाइक वीडियो व्यू ऑल, तो इधर तो अभी कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। तो इधर सबसे पहले आपको इधर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद जो है अब इधर जो है ऐड डिस्क्रिप्शन डाल देना, मतलब आपकी किस पर जो चैनल आपने बनाई है वो उसमें आप क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं, किस पर्पज से जो है आपने चैनल जो है बनाई है। तो इधर एडिट पर जाना, और इधर देखिए इधर भी आप इधर से भी नाम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये जो पैन बना हुआ ना इधर से चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए 90 दिन में जो है आप सिर्फ 3 बार नाम चेंज कर सकते हैं, और अगर 3 से ज़्यादा बार किया तो 90 दिन बाद ही कर सकते हैं। मेरा मतलब है 3 से ज़्यादा बार नहीं होगा, 90 दिन में 3 बार। तो हमको अभी कोई नाम चेंज नहीं करना, इधर कैंसिल कर दो। तो इधर एड डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल दो जैसे कि मैं आपको डाल के बताता हूँ। तो इधर जो है ये देखिए, तो इधर देखिए 1000, पहली बात तो 1000 इधर वर्ड मिलेंगे आपको इधर लिखने के लिए। तो इधर जो है दोस्तों मैं ऑलरेडी पहले ही जो है लिख के रखा हूँ जिसमें कि आपका समय बच जाए। तो इधर जो है मैंने एक फाइल है, ये देखिए मैं बताता हूँ, ये जो फाइल है फाइल में पूरा लिख के रखा है, और ये कॉपी पेस्ट कर दूंगा बस मैं। ये देखिए कॉपी करने के बाद जो है मैं जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में जो हूँ मैं डाल देता हूँ, ये इधर पूरी पेस्ट कर दिया। तो ये देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन पूरा जो है इसमें कॉपी पेस्ट कर दिया, आप चाहें तो इसमें लिख भी सकते हैं। तो दोस्तों एक एग्जांपल है आपको बता रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ किस प्रकार से आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। ये देखिए तो जो भी मेरा मतलब जिस चैनल जो भी आप जिस भी पर्पज़ से बना रहे हो तो वो डिस्क्रिप्शन जो है इधर आप जो है दे सकते हैं। तो ये देखिए पूरा आ गया है।
तो ये दोस्तों आपने कोई भी चैनल पे देखा होगा, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं देखा होगा, अबाउट या डिस्क्रिप्शन में मतलब कुछ ना कुछ डाल के रखते हैं कि किस बारे में उनकी चैनल है। तो ये देखिए इधर से जो है, और ये जो प्राइवेसी है इसको आप एज इट इज रहने दीजिए, इसको भी मत छेड़िए आप, क्योंकि नया नया आपने यूट्यूब चैनल खोला है। तो ये आपको ऐसे ही रहने देना है, ये सेटिंग्स को आपको जो है चेंज नहीं करना है। अब ये देखिए ये पूरा काम हो गया, अब हम बैक जाते हैं। अब देखिए और बैक जाएंगे हम, और अब इधर देखिए ये आपको इधर ये दिख रहा है, जो कैमरा दिख रहा है इधर आप क्लिक करेंगे तो इधर से जो है आपका वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इधर देखिए अलाउ एक्सेस करना है, इधर अलाउ करना है, फिर अलाउ करना है, सब कुछ अलाउ कर देना है इधर पर, है ना। तो अब आप ये देखिए ये रिकॉर्ड करना है, ये गो टू लाइव होना है, मतलब रिकॉर्ड आपका, ये रिकॉर्ड करोगे तो कुछ भी चीज़ रिकॉर्ड होने लगेगी और ये गो लाइव। और इधर देखिए कोई भी वीडियो नहीं है, अगर आपकी गैलरी में कोई भी वीडियो होगा तो उधर से ये जो है मतलब आप इधर से जो है उसको उठा सकते हैं, उधर इधर से अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी मैं अपलोड करके बताऊंगा, पूरा बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं कोई भी वीडियो इसमें डाल लेता हूं, जो कि मैंने अपने लैपटॉप से एडिट किया है, वो इसकी गैलरी में डाल के आपको बताता हूँ। तो अभी देखिए मैंने एक वीडियो जो है डाल लिया है मोबाइल में, ये देखिए, और इसको जो आज जो है हम बात करेंगे ये पतंजलि का इसको जो है मैं अपलोड करूंगा YouTube चैनल पर। तो दोस्तों ये मैंने एडिट किया है लैपटॉप से, क्योंकि मैं एडिटिंग वगैरह जो है मोबाइल से नहीं करता हूँ, लैपटॉप से करता हूँ। तो अब इसको कैसे अपलोड करना है, तो देखिए ये YouTube ऐप पे गए तो, और ये इस आइकॉन को प्लस किया तो इतना तो आपको पता है, मैं बता ही चुका। तो और ये देखिए ये वीडियो आ चुका है, इधर गैलरी से जो है आपको अपलोड कर देना है, बाकी ये रिकॉर्ड करने के लिए है, गो टू लाइव होने के लिए। तो ये फिलहाल दोस्तों आप नए हैं अभी फिलहाल, मतलब आपने जैसे नया नया यूट्यूब चैनल खोला है तो फिलहाल तो ये ऑप्शन अभी आप यूज़ मत करिए। तो अभी ये देखिए इधर से मैं जो हूँ अपलोड कर देता हूँ, तो ये देखिए इस प्रकार से अपलोड के लिए आ जाएगा। और इधर पर टाइटल वगैरह देना है, टाइटल मतलब क्या है, किस बारे में वीडियो बनाया है, जैसे कि मैंने पतंजलि एप्पल विनेगर के बारे में बनाया है, तो मैं इधर जो है पतंजलि का एप्पल विनेगर डाल देता हूँ। तो इस प्रकार से आपको ये खुद से डालना है, और जिस बारे में भी वीडियो बनाया है आपने, और ये बाकी जो डिस्क्रिप्शन लिखना है डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों इस आपने क्या क्या बताया इस वीडियो में, मतलब मेरा मतलब है जो अभी आपने वीडियो बनाया है उसमें क्या बताया है, क्या समझाया है, उस बारे में डिस्क्रिप्शन पूरा लिख देना है आपको। और ये प्राइवेसी देखिए, प्राइवेसी में पब्लिक करना है, तो दोस्तों अभी मैं बोलूँगा पहले आपको ये प्राइवेट करना है, ये प्राइवेट कर लीजिए, क्योंकि पहले आप पूरा वीडियो अपलोड हो जाने दीजिए और पूरा डाल लीजिए, और चेक करने के बाद जो है उसको पब्लिश कर दीजिएगा। और इसके बाद जो है लोकेशन वगैरह इधर डाल सकते हो, अब इधर से ऐड कर सकते हो, ये देखिए इधर से अलाउ कर देना है सबसे पहले। तो ये सब जो है दोस्तों अभी रहने दीजिए, सबसे पहले तो आपको टाइटल डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, और इधर जो है आपको फिलहाल प्राइवेट करना है। और उसके बाद जो है इधर से देखिए वीडियो जो है कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब कट कर सकते हैं, लेकिन इधर आपको कट वगैरह कुछ नहीं करना है, पूरा वीडियो जो है आप पहले से एडिट कर चुके हैं क्योंकि। और उसके बाद जो है आपको ये देखिए इधर से ये दिख रहा होगा आपको, इस एरो में जो है आप क्लिक करना है, और ये जो वीडियो है आपका अपलोड होने लगेगा। और ये देखिए अभी प्रिपेयर हो रहा है, इसके बाद ही अपलोड हो जाएगा करीब, ये देखिए टाइम भी आ रहा है। तो ये इंटरनेट की स्पीड में स्पीड पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों अभी जो है ये वीडियो जो है अपलोड हो रहा है, अपलोड होने के बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है आगे। बाकी ये देखिए ताला बना हुआ है, ताला मतलब अभी मैंने प्राइवेट रखा है इसको, अभी मैं पब्लिश नहीं करूंगा, पहले पूरा चेक करूंगा और उसके बाद ही जो है मैं पब्लिश करूंगा। तो इधर इसलिए ताला दिख रहा है, तो अभी दोस्तों टाइम लगेगा, अभी देखिए अभी तो 10% हुआ है, क्योंकि नेट की स्पीड पर भी डिपेंड करेगा ये, क्योंकि नेट की स्पीड जितनी तेज होगी उतनी जल्दी जो है अपलोड होगा। तो अभी देखिए वीडियो जो है पूरा अपलोड हो चुका है, तो इधर से आप चाहें तो ये वीडियो देख भी सकते हैं अभी, लेकिन ये पब्लिश नहीं हुआ है और ना ही मैंने पब्लिक किया है। तो ये देखिए अभी भी ताला लगा आ रहा है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं। और इधर से जो है आप इसको एडिट कर सकते हैं, एडिट पे जाके फिर से जो भी आपने टाइटल डिस्क्रिप्शन दिया था, ये देखिए मैंने जैसे जैसे कि पतंजलि एप्पल विनेगर लिखा था, तो फिर से जो है आप टाइप वगैरह कर सकते हैं, तो आप भी और टैग वगैरह लगा सकते हैं। तो टैग भी वही है दोस्तों जो वीडियो बनाए उससे रिलेटेड है, और 200 शब्द तक टैग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और इधर से जब पूरा कंप्लीट हो जाए तो पब्लिक कर दीजिएगा, और पब्लिक करने के बाद फिर से जो है इधर पर ये देखिए साइड में जो एरो की दिख रही है इसको आप टच कर देंगे, तो ये जो है पब्लिक हो जाएगा।
लेकिन अभी मैं पब्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं कुछ जो है इसमें टैग वगैरह एडिट करूँगा। तो दोस्तों इस टाइप से जो है आप वीडियो जो है अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब पर और इजीली जो है यूट्यूब चैनल बना सकते हैं अपने मोबाइल से ही। तो दोस्तों अभी भी कोई डाउट है तो बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए बस मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको इस टाइप से वीडियो देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टाइप से बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं लाते रहूँगा जो कि आपके काम के रहेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए आपका अपने चैनल में नॉलेज फॉर टेक।